नागरिकता संशोधन बिल पर विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा सांसद और विधायक ने क्षेत्र के गांव में जा जाकर लोगों को किया जागरूक। सांसद ने नागरिकता संशोधन बिल के गिनाए फायदे। सांसद उपेंद्र रावत ने कहा कि भारत के किसी भी नागरिक की नहीं जाएगी नागरिकता। सांसद ने कहा कि लेने का नहीं बल्कि देने का बिल है। इस बिल के माध्यम से पड़ोसी देशों में सताए रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। रामनगर विधानसभा के किंतुर गांव में हुई बैठक में विधायक सांसद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जनता रहे मौजूद। बाराबंकी से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो भारत सरकार ने पास किया, उसके बाद में पूरे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने जो बवाल कराया, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े काम हो चुके हैं जिन पर एक नए पैसे का कहीं पर कोई भी एक तिल भर कोई बवाल नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े काम हुए। धारा 370 खत्म हुई, 35 खत्म हुआ, एक भी बवाल कहीं पूरे देश में नहीं हुआ। राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला, साफ हुआ, कहीं पर कोई किसी प्रकार का बवाल नहीं हुआ। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया, 3 तलाक का कानून पास किया, कहीं पर कोई बवाल नहीं हुआ। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में बनी है, उसके द्वारा किए गए कार्यों पर पूरे देश में कहीं देश मात्र का कोई बवाल और कहीं पर कोई विरोध नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके मन में हलचल मची कि सारा धरातल खत्म हो रहा, हमारा पूरी धरती हमारी जा रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी काम कर रही है, बड़े से बड़ा काम कर रही है, कहीं पर कोई बवाल नहीं होता। 370 के मामले में तमाम सारी पार्टियां कहती थी, बड़े बड़े नेता कहते थे कि 370 को जो छूने की हिम्मत करेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा तो देश में क्रांति हो जाएगी, देश में बवाल हो जाएगा, रक्तपात हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। और एक चुटकी बजाते हुए मिश्रा जी ने 370 खत्म किया, पूरे देश में कहीं पर कोई तनिक सभी कोई उपद्रव नहीं हुआ। तो ये जो चिंता थी दूसरी पार्टियों की, जो विपक्षी पार्टियों की, इस तरह की जो चिंताएं थी, इस चिंता को लेकर के विरोधी पार्टियों ने एक गलत मैसेज प्रसारित करने का काम किया पूरे देश में और कहा कि जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है उनको भी भगा दिया जाएगा, यहाँ से इनको भगाने का अधिनियम है ये एक्ट जो बना है, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। बोले भारी जनता समझ नहीं पाती है। मैंने दूरदर्शन पर भी देखा, आप भी देखते होंगे तमाम बार, तो लेकर के पत्रकार लोग जाए उनके सामने, कहे भाई बताओ ये क्यों क्या कर रहे हो, कहा हम जो है CA के विरोध में धरना दे रहे हैं, CA है क्या बता नहीं पा रहे हैं, यहाँ CA के बारे में बताया कि मुसलमानों को भगाने का एक कानून है, तो कहा ये किसने आपको बताया कि यहाँ से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो हमारी पार्टी ने बताया। कौन सी पार्टी?